हेलो एंड वेलकम बैक टू बर्मल्स व्लॉग। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ही बढ़िया वीडियो आप लोगों के लिए प्रस्तुत करके लाए हैं। एक्चुअली जो वर्ल्ड फेमस मंदिर है गुवाहाटी के अंदर में, वो मंदिर को विजिट करवाएंगे आप लोगों को। आज वर्ल्ड वाइड लोग दर्शन करने आते हैं गुवाहाटी के अंदर में। ये मंदिर है जालुकबारी जो मेन सेंटर है। बहुत सारे वीडियो में मैं बोला हूँ कि गुवाहाटी आने के लिए आपको पहले ये जालुकबारी सेंटर होना पड़ता है, और जालुकबारी सेंटर आपको डायरेक्ट करेगा कि आपको कहाँ जाना है गुवाहाटी सिटी के अंदर। तो ये एक बहुत फेमस एक मंदिर है, पूरा दुनिया से लोग आते हैं ये मंदिर विजिट करने। तो हम आज ये वीडियो के थ्रू आप लोगों को दिखाएंगे। मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे लोगों को शायद पता चल ही गया रोड साइड ये स्टेचूज देख के, और मंदिर का जो फोटो अंकित किया हुआ है पत्थर में उसी ज़माने में वो देख के। तो ज़्यादा मैं आप लोगों को वक्त नहीं लूँगा, सस्पेंस नहीं दूँगा, और चलिए बता ही देते हैं कहाँ हम लोग जा रहे हैं। माँ कामाख्या मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बना है, वो इसका तांत्रिक महत्व है। प्राचीन काल से सतयुगित तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। पूर्वोत्तर के मुख्य द्वार कहे जाने वाले असम राज्य की राजधानी दिसपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलाचल अथवा नील शोल पर्वतमालाओं पर स्थित माँ भगवती कामाख्या माँ सिद्ध शक्तिपीठ सती कवान शक्तिपीठ में सर्वोच्च स्थान रखता है। फ्रेश ऑक्सीजन फील होता है, बढ़िया लगता है। पूरा नेचर से बड़ा है दोनों साइड में, और हम लोग आगे जाके दिखाएंगे। नीचे पूरा सिटी को दिखता है ऊपर से, और व्यू पॉइंट वगैरह भी मिलेगा, वो भी दिखाएंगे थोड़ा सा आगे जाके। बहुत ही सुंदर, बहुत मजा आता है। तो आप लोगों के फैमिली के साथ भी आइए, दोस्तों के साथ भी आइए गुवाहाटी में। और गुवाहाटी अंदर करते ही आप सिर्फ कामाख्या देवी माँ का मंदिर बोलो, आपको सभी लोग बता देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ जब आप ऊपर जाओगे मंदिर के तरफ, तो ये पहाड़ है, ये पहाड़ का नाम है नीलाचल। और ये पहाड़ में जो भी साइड में वॉल वगैरह है उसमें पूरा आर्ट से बड़ा है, ड्राइंग वगैरह किया हुआ है। अभी गर्मी का मौसम है, लोग भी आते हैं, बहुत भीड़ होता है यहाँ। खाना वाना सब कुछ, मतलब दोपहर का खाना भी आप लोग खा सकते हो प्रसाद के तौर पे। हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रसाद सेवन करेंगे वहाँ जाके, अगर हम लोग मिल जाते हैं तो। जो भी राजा महाराजा के ज़माने में उस समय का चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत आर्ट करके लोगों को थोड़ा जानकारी देने की कोशिश किया गया है। बहुत टूरिस्ट लोग आते रहते हैं, हर जगह से लोग आते हैं। और यहाँ जो लोग आते हैं माँ कामाख्या देवी का मंदिर विजिट करने के लिए, महादेवी का दर्शन करने के लिए, सच्चे दिल से सच्चे मन से मनोकामना पूरा होता है, सक्सेस मिलता है। लॉज वगैरह भी यहाँ मिल जाएगा, ये एक प्रशांति टूरिस्ट लॉज करके हैं। थोड़ा सा मैं एक ऊपर से दिखा के लाता हूँ। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मेरे पीछे देखिए, वाह 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 वाह, मजा आ गया। ये देखिए, यही है व्यू पॉइंट। ऐसा व्यू पॉइंट और एक पहले हम लोग छोड़ के आए हैं। जब आप ऊपर जाओगे मंदिर के तरफ, तब लेफ्ट हैंड साइड में ये दो व्यू पॉइंट मिलेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं मंदिर के तरफ। जूता रखने का जगह, तो ये शू रैक है यहाँ।
टूल्स वगैरह वहाँ रखे जा सकते हैं। चलिए शू रख दिए हैं, अभी जाएंगे ऊपर। ये देखिए बहुत सारे वेंडर्स हैं, हर एक वीडियो में मैं बोलता आया हूँ, आप लोगों को बताता आया हूँ कि असम इज फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट। ये देखिए ये जो वेंडर्स लोग हैं यहाँ, ये हैंडीक्राफ्ट चीज़ें लगा के ऊपर के रखे हुए हैं। ये सभी देखिए ये हैंडीक्राफ्ट असम का फेमस चीज़ें हैं। माँ कामाख्या देवी को कामेश्वरी नाम से भी जाना जाता है। इट इज द रिनोन गॉडेस ऑफ विजयर हुज फेमस श्राइन इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ नीलाचल हिल सिचुएटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुवाहाटी द कैपिटल सिटी ऑफ द स्टेट ऑफ असम इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। माँ कामाख्या देवालय इज कंसिडर्ड मोस्ट सेक्रेड एंड ओल्डेस्ट ऑफ द 51 शक्ति पीठ ऑन अर्थ। इट इज द सेंट्रल पीस ऑफ वाइल्ड प्रैक्टिस पावरफुल तांत्रिक शक्तिज्म कॉल्ड इन इंडिया। अंदर करेंगे, ये मेन गेट है, मंदिर पहुंचते ही। कर लगा लेते हैं, मजा आ गया। लेकिन करने का बेस्ट टाइम है अब तो अंबुबाची मेला। ये अंबुबाची मेला जो है हर साल मनाया जाता है और ये मेला 22nd ऑफ जून हर साल स्टार्ट होता है और 4-5 दिन के लिए चलता है। इसके बारे में डिटेल्स आप लोगों को विकिपीडिया वगैरह में मिल जाएगा, गूगल में आप लोगों को मिल जाएगा, तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये मंदिर को ये वीडियो के थ्रू दिखाता हूँ आप लोगों को। मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो अगर अच्छे लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा साथ ही साथ में। अगर आप नए से मरमंस ब्लॉग का वीडियो वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया लगाने की जगह है, दर्शन करने आते तो लोग यहाँ दिया लगाते हैं। मंदिर में लेके आते हैं और लोग यहाँ दान करते हैं और कुछ कुछ लोग छोड़ देते हैं और कुछ कुछ लोग जो है बलि चढ़ाते हैं। बलि घर यहाँ बलि देते हैं, लेकिन टोबाको या गुटखा सिगरेट ये सब बिल्कुल मना है और यहाँ ये बलि होता है। तो देखे हो ये बफेलो मोह बोली बोलते हैं, इस बलि भी होता है यहाँ, ये बड़ा वाला, इसमें बकरी वगैरह बलि होता है और ये प्रसाद के साथ बांटा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मंदिर का एक सराउंडिंग दिखा लेते हैं, उसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से। ये देखिए मेट लगा के दिए हैं, एक्चुअली बहुत गर्म होता है क्योंकि टाइल्स है नीचे और पत्थर से भी धूप में बहुत गर्म हो जाता है, तो ये मेट दिए हुए हैं। वॉल वगैरह देखिए, पेंटिंग देखिए, उसी समय का हजार हजार साल पहले की बात है। इतना सुंदर जो बकरा है, इसको इतना बढ़िया से यहाँ का जो मैनेजमेंट है इतना बढ़िया से मेंटेन करके रखे हैं, तो देखिए इन लोगों का कितना प्यार, कितना बढ़िया एक एनवायरनमेंट बना के रखे हैं यहाँ। उसको कंगी वंगी करके देखिए, ये कंगी वंगी लगा के कितना बढ़िया से वो रखे हैं। बहुत सारे पुजारी इस लोग आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा आते ही, बराबर आप लोग बात कर लीजिएगा, लोग आपको गाइड कर देगा।
चलिए फिर यहाँ से एग्जिट करते हैं हम लोग। सुंदर सा ये प्रसाद, बहुत फ्रेश प्रसाद पहले बांटते थे, लेकिन कोविड के कारण ये जो प्रसाद है दोपहर में वो अभी फिलहाल बंद है। हम लोग जो भोग बोलते हैं मजा नहीं ले पाए हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं और ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे और मिलते हैं जल्दी ही विद अनदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कम्फर्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।